सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज वाली वीडियो में हम लोग माइनक्राफ्ट खेलने जा रहे हैं। एंड आप लोग ये वर्ल्ड देख के समझ ही चुके होंगे, ये है अपना सिस्टर का वर्ल्ड। एंड ओ वेट, ये कैसा, ओ यार इसको कम करना है। ओके गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपनी सिस्टर के वर्ल्ड में। तो लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से ट्रोल कर लिया था, मतलब मज़ा ही आ गया था। एंड यार मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि आप लोगों को पता होगा कि पिछले वाले एपिसोड में जिन लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मतलब कचड़ा मच चुका था, मतलब ब्लॉक से, लेकिन इसने साफ कर दिया यार। मतलब बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग तो करती रहती है सर्वर में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग ऐप बिनोबो के बारे में बताता हूँ, जहाँ से आप मंथ के 30,000 तक कमा सकते हो, यानी दिन के 1500 रुपए तक। बिनोबो ऐप बोथ iOS एंड एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है, जिससे पता चलता है कि ये एक लीगल ऐप है। बिनोमा में आप अपने मल्टीपल एसेट्स जैसे गूगल, एप्पल, गोल्ड, यहाँ तक कि मल्टीपल करेंसीज जैसे USD, यूरो एक्सेट्रा में ट्रेड कर सकते हैं और 90% एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग पर न्यू है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाइए और पाइए 65,000 डेमो अकाउंट में ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको चूज एसेट्स की फोरकास्टिंग करनी होती है कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि इस एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो मैंने इसमें 700 रुपए लगाकर अब पे इन्वेस्ट कर दिया है और ये ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। और ये देखो, मेरा फोरकास्ट सही भी हो गया और मैंने 1288 रुपीस कमा भी लिया। बट अगर फोरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि आपको ये पैसे कैसे मिलेंगे। आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर लो विद इन 24 आवर्स। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपीस है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड लगाकर जाओगे तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, यानी कि 350 का 700, 1000 का 2000 रुपए। ट्रेड वाइजली, इसमें आपके कैपिटल को रिस्क हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली 18 प्लस के लिए है। तो वेट किस बात का, अभी जाएं डाउनलोड करें बिनोमो ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और स्टार्ट करें अपनी अर्निंग। आई एम बिनोमिस्ट, आर यू? एंड ये सर्वर के अंदर अभी खेल तो रही है। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो का प्लान ये था ना, आज मेरे को अपनी बहन को ट्रैप करना है, वो भी बहुत खतरनाक वाले ट्रैप में। मतलब एक तरीके से इसको इलीगल ट्रैप बोल सकते हैं, क्योंकि गाइस यार वो वाला जो ट्रैप है ना वो अनएस्केपेबल है, क्योंकि यार उससे कोई एस्केप कर ही नहीं सकता यार, उससे इंस्टेंट लोग मर ही जाते हैं। एंड बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वो एंड क्रिस्टल है, लेकिन नहीं, वो एंड क्रिस्टल नहीं है। पहले स्पाइडर का खेल खत्म करते हैं। हाँ, तो वो एंड क्रिस्टल ट्रैप नहीं है, वो है एक माइनकार्ट विथ TNT ट्रैप। बहुत लोगों को नहीं पता होगा एंड बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। तो मैंने उसका इंग्रेडिएंट्स अपने इन्वेंट्री में भर लिया है, जिसको जमा करने के लिए मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था। एंड यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास सोलर रेल है एंड रेडस्टोन डस्ट थोड़ी सी, क्योंकि मेरे को ब्लॉक बनाना था, एंड माइनकार्ट, एंड इससे मेरे को माइनकार्ट विद TNT बनाना है। बट गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का स्पेशल शाउट आउट जाता है PN प्लेस को, क्योंकि उसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था। एंड अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्या पता नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को शाउट आउट मिल जाए। एंड यार अभी तो ये अपने घर के अंदर है, काम करते हैं, इसे थोड़े हाल चाल पूछने चलते हैं। पिछले वाली वीडियो से क्या पता है बहुत ज्यादा मेरे से नाराज हो गई हो। ओके, इधर पे काम कर रही है। एंड इसके पास, ओ हाँ, इसके पास नेदराइट आर्मर तो था। और हाँ, एक और चीज़ गाइस, मेरे पास जो एक स्वॉर्ड थी ना यार, ओ भाई ये मारने, अरे यार ये मारने आ रही है। हाँ, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा था कि जो मेरी पिछले वाली नेदराइट की स्वॉर्ड थी ना, वो पता नहीं कहाँ चले गई यार, एकदम से गायब सी हो गई। एंड ये क्या लिख रही है, निकलो यहाँ से। अरे यार ये पता है बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई मेरे से। एंड आप लोग देख सकते हो मेरे पास, ओ भाई भाई यार आप लोग, हाँ एक चीज़ तो मैं भूल गया कि जो हमारे आर्मर है ना, उसमें मतलब जो सपोर्ट नहीं भी करती है एन्चेंटमेंट्स, वो भी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार, प्रोटेक्शन 6, ये सारी एन्चेंटमेंट्स हैं। चले जाओ, अरे जा रहा हूँ यार। मैंने बहुत दिन से इसके घर के पास नहीं आया था, तो अब इसको लगा कि मैं इसको ट्रोल नहीं करूँगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है यार, ट्रोल तो देखो मैं करूँगा ही। एंड गाइस एक और चीज़, ओ भाई यार पिछले वाली वीडियो में इसने मेरे को मार दिया था यार, इसका खेल ख़त्म कर देते हैं। ओ भाई ये किट में मर गई। ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे पास जो स्वॉर्ड है ना, इसमें भी शार्पनेस 7 लगी है। भाई आप लोगों को पता होगा कि मैक्स टू मैक्स एन्चेंटमेंट्स कितनी होती है, शार्पनेस 5-6 होती तो चलो फिर भी चल जाता भाई साहब, शार्पनेस 7 है यार, जो कि आप लोगों को पता होगा कितना ज़्यादा मस्त है। देखो पिक भाई एक हिट में मर गया, क्रिटिकल हिट भी नहीं मारी मैंने फिर भी। ओके यार एक बार ये घर से निकल जाना यार, मैं ऐसा ट्रैप बनाऊंगा ना इसके घर में। ओके ओके, ये धरी पे कुछ ना कुछ काम कर रही है यार, एक बार से चल के पूछते हैं कि ये काम क्या कर रही है और इसको काम करने में कितना टाइम लगेगा। एंड इसको, ओ भाई बारिश को भी अभी होना था क्या, एक बार इससे पूछ के देखते हैं यार, इसको एक काम करते ना कहीं उधर पहाड़ियों में भेज देते, बोलते हैं कि उधर पे कुछ मतलब कुछ मिलेगा। ओके, तो सर्वर में तो है, ये कहाँ पे गई है अभी, यहाँ पे माइनिंग वगैरह, वो इससे बार पूछते हैं कि कहाँ है तू। ओके ये वो तो ज़ॉम्बी है, अरे कहाँ गई है क्या, अरे कुछ हुआ नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था, इससे लिखता हूँ कि
ओके मैंने इसको एक बार लिख दिया, तो यार एक बार बता तो दे कर क्या रही है माइनिंग पर। अच्छा ये माइनिंग, ओ माइनिंग करने चले गई। ओके ये कहीं यार झूठ तो नहीं बोल रही, पता चले भाई पीछे से धप्पा दे दिया। ओ भाई ये स्केलेटन भाई, अब तो मेरे पास भाई बहुत तगड़ी वाली स्वॉर्ड आ चुकी है। ओ शिट ओके मर गई। इससे एक बार पूछते हैं कि ओके गाइस मैंने एक स्ट्रैटेजी का यूज़ किया, मैंने इसको लिखा कि कब तक आएगी मुझसे तुझे कोई काम है, एंड इसको लग रहा होगा कि मैं इससे कुछ बहुत तगड़ा वाला ग्राइंड करवाने वाला हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो जो मैंने सोचा था वही हुआ, अब मैं नहीं आऊँगी। मेरे को पता था यार इससे मैं जैसे कोई काम बोलता हूँ ये बहुत ज़्यादा भागती है, तो अब तो मेरे को लग रहा है ये नहीं आने वाली है। मतलब आएगी तो लेकिन बहुत देर में आएगी जब तक मेरा काम वगैरह हो जाएगा, बट इसको क्या पता मेरा कोई काम ही नहीं है। ओके तो मेरे को एक काम करना पड़ेगा ना, पहले मेरे को अपने एक प्रेशर प्लेट बनाना पड़ेगा, एंड प्रेशर प्लेट के लिए यार यहाँ पे मेरे को वुड वगैरह मिल ही जाएंगी। ओके एंड यार वो इतनी नूब तो नहीं है कि वो प्रेशर प्लेट के ऊपर चल जाए, लेकिन यार मेरे को कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा कि वो चल जाए यार, वरना फिर अपना जो प्लान है ना वो फ्लॉप हो जाएगा। ओके इतने से आई थिंक हो जाएगा। ओके भाई यहाँ पे ज़ॉम्बीज वगैरह आ रहे हैं, वाह भाई। एंड यार पता है अभी तक मैंने सोचा नहीं है कि मैं ट्रैप किस तरीके से बनाऊंगा, तो देखो सबसे पहले तो मेरे को इसके थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा। ओके कुछ इस तरीके से नीचे चले जाते हैं। एंड गाइस जितना आप लोग ये सोच रहे हैं ट्रैप कितना ज़्यादा हार्ड है, एंड गाइस जितना आप लोग सोच रहे हैं ट्रैप कितना ज़्यादा ब्रूटल है, आप लोगों को अभी कोई अंदाज़ा नहीं है यार, क्योंकि ट्रैप सही में बहुत ज़्यादा ही ब्रूटल है। ओके यहाँ पे रखते हैं ये, एंड इसके ऊपर रखेंगे ये, इसके ऊपर रखेंगे ओ एक सेकेंड ऐसे रखेंगे, देन इसको ऐसे कवर कर देंगे, एंड इसके ऊपर अब हम लोगों को रखना है। पहले तो ये माइनकार्ट बना लेते हैं यार ढेर सारी। ओके गाइस यार अभी मेरे को बहुत ज़्यादा डर सा लग रहा है, क्योंकि अगर ये ब्लास्ट हो गया ना तो भाई साहब वो मरेगी भी नहीं, ऊपर से यार बहुत ज़्यादा फिर गुस्सा भी हो जाएगी। तो एक काम करते हैं ना इसको थोड़ा सा दूर लेकर चलते हैं, एंड ऊपर से खोखला रखेंगे यार क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। एंड गाइस इसको कुछ इस तरीके से रखना है, एंड अगर ये हल्का सा भी इधर पर आया तो भाई समझ लो ख़त्म ही है बिल्कुल। ओके ओके यार ये बहुत ख़तरनाक वाला ब्लास्ट होने वाला है, मैं सही बता रहा हूँ। ओके मेरे को थोड़ा सा डर टाइप का भी लग रहा है। एंड इतना हो जाने के बाद अब हम लोगों को इसके नीचे कुछ इस तरीके से बिछा देते हैं, जिससे ना ऐसा होना तो चाहिए, मतलब और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होना चाहिए। एंड अब इसको इसके ऊपर से कवर कर लेते हैं। ओके एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये प्रेशर प्लेट का क्या काम है, तो मेरे को भी नहीं पता प्रेशर प्लेट का क्या काम है इधर पे। बस जैसे ही वो आएगी ना सर्वर के अंदर, बस मेरे को इसको ये खोदना है एंड वो मर जाएगी, मेरा तो यही प्लान है। लेकिन यार उससे पहले ना मैं इसको एक बार स्वॉर्ड से थोड़ा सा इसको तंग करता हूँ, जिससे कि ना वो थोड़ा सा नाराज टाइप की हो जाए। तो एक बार मैं इसको लिखता हूँ कि ओके, तो मैंने इसको लिख तो दिया है कि सर्वर से लीव। ओ भाई ये क्या था के, अब इसको यार भी आएगी कैसे, अपने आप ही आ जाएगी। चलो ओके अब एक काम करते हैं ना, इसको एक बार लिखते हैं। गाइस यार अब मैंने इसको लिख दिया है कि तू आई नहीं, मेरा काम कर लिया मैंने, अब ये पक्का आएगी। देखा रेखा मैंने क्या बोला था यार ये काम से कितना ज़्यादा भागती है। अब ओ वेट अब मेरा काम हो चुका है, तो देख सकते हो यार अपने आप को आ रही है घर की तरफ। एंड गाइस जो मेरा ट्रैप है ना वो इतना ज़्यादा इजी नहीं है कि बिल्कुल एक्सपोज हो जाए, मैं 10 साल बाद आऊँ फिर भी वो ट्रैप एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ रेनोवेशन करते ही नहीं अपने घर में। ओके अब ओके आ गई, इसको थोड़े से फटके मारते क्योंकि डैमेज से पड़ने नहीं वाला है। इधर आ, अरे 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 बुरा मान गई शायद। अरे अरे भाई प्रो बन गए यार ये भी, मेरे से पहले से माइनक्राफ्ट खेल रही है लेकिन इससे ज़्यादा प्रो मैं बन चुका। ओ भाई कितना भागेगी, इसको डैमेज मेरे को पता है पड़ नहीं रहा होगा, लेकिन यार मेरे पास शार्पनेस 7 है, डैमेज तो ओ भाई भाग गई यार। चलो तो छोड़ यार इसको, तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं अभी, क्या है ये सब के लिए बुलाया है। अरे यार मैं तो खाली इसको थोड़ा सा ट्रोल करने के लिए बुला रहा था। इसको एक काम करते ना, इसको लिखते तेरे लिए एक सरप्राइज है, इसको मैंने लिख दिया तेरे लिए एक सरप्राइज है। ओके अब देखते इसका रिएक्शन कैसा होता है। अरे ओ भाई मेरे को मारेगी, इतनी बड़ी हो गई। ओके ये यार ये बहुत टाइम से खेल रही है, तो थोड़ा मतलब इतना भी नूब नहीं है, लेकिन यार मैं इससे ज़्यादा प्रो हूँ देख सकते हो। नहीं मैं नहीं लेना झूठा, अरे झूठ झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार मैं। ओके यार इसको एक बार लिखते हैं कि ओके मैंने इसको लिख दिया, झूठ नहीं बोल रहा, गॉड प्रॉमिस पक्का। अरे पक्का यार कहाँ है पर, अरे इधर ही पे कहीं है, देखो इसको दिखाता हूँ, इसको बोलता हूँ कि ओके तो मैंने इसको लिख दिया, उल्टे पर आना पड़ेगा क्यों। अरे यार मैंने जितना बोला उतना करना चाहिए ना यार, ये ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रही है अब।
ओके तो ये मान चुकी है, अब इसको बोलते कि ऐसे पीछे की तरफ आ, अब इसके बाद देखते क्या होता है। ओ भाई ये कितना सा, ये मरी नहीं, ये क्या, अरे मेरे को लगा ये मर जाएगी, ये मरी क्यों नहीं यार, ऊपर से इसका घर तबाह हो गया भाई। नहीं अब इसको मारना पड़ेगा, नहीं वरना कुछ चिल्लाएगी, इसको मार देता हूँ उससे पहले कि, ओ यार मरी कैसे नहीं यार, मरना तो चाहिए था यार। ओ भाई यार ये मुंह खोल देगी अपना, इससे पहले इसको मारना पड़ेगा यार। ओके यार लेकिन ये मरी कैसे नहीं यार, आठ माइन, ओ यार इसके बाद प्रोडक्शन 6 था ना यार, आठ माइनक्राफ्ट में तो मरी जाना चाहिए था। ओ इधर पे कुछ पड़ा है, ओ ये क्या है, ओ इसके बूट्स हैं अनब्रेकिंग, इसके पास अनब्रेकिंग के, इधर आ, मर जा, ज़्यादा कर रही है यार, लेकिन ये इसको मर जाना चाहिए था यार, ये तो चीटिंग है यार सही में। ओ ओ ओ ओ ओके अब ये गई भाई, यार इसको मर जाना चाहिए था यार, क्यों नहीं मरी। ओके आजा, कितना भागेगी। ओके ये ज़्यादा नहीं भाग पाए, ओ भाई फूट भी नहीं है इसके पास। ओके कितना ज़्यादा भाग सकती है यार ये, ओ मर गई, लेट्स गो। ओके ओ भाई लेफ्ट भी मार दिया, वाह भाई ये सही है भाई, रेज क्विटर भाई। तो ओके तो गाइज आज वाली वीडियो के लिए इतना ही यार, आज मज़ा ही आ गया यार सही में, मैंने इसके लिए ट्रैप बनाया, बट गाइज यार मेरे को थोड़ा सा उसके लिए बुरा भी लग रहा है, क्योंकि आप लोग देख सकते हो इसका घर पूरा तबाह हो चुका है, एंड ये चेस्ट, अच्छा तो वही चेस्ट है ना जहाँ से मेरे को अपनी ये स्वॉर्ड मिली थी। तो आज वाली वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से जाकर इस वीडियो को लाइक कर लेना। आज की इस वीडियो का लाइक एम मेरे को पता है नहीं हो पाएगा कंप्लीट, लेकिन फिर भी 5000 लाइक आज की वीडियो का लाइक एम। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, एंड डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपसे बातें करने के लिए आता रहता हूँ। तो आज वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड सब्सक्राइब भी कर देना गाइज़।